तो कुछ दिन से आप में से काफी बंदे पूछ रहे थे कि भाई पिज्जा बनाने की रेसिपी बता दो, जिसको मैं आज आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ी भूख लग रही थी, तो मैं अपने स्टाफ से अपने लिए एक शेक बनवा लेता हूँ, जिसको मैं आराम से बैठकर पीता हूँ। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप पिज्जा घर पर ही कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक पिज्जा बेस ले लेना है, जो आपको किसी भी बेकरी पर मिल जाएगा। और सबसे पहले इस बेस के ऊपर हम लगाएंगे पिज्जा पास्ता सॉस, और इसके बाद हम इसके ऊपर चीज ड्रेसिंग की लेयर्स कम्प्लीट कर देंगे। तो हम बना रहे हैं फार्म फ्रेश पिज्जा, जिसमें आपको 4 वेजिटेबल्स लगेंगी, अनियन, टोमेटो, मशरूम एंड कैप्सिकम। सबसे पहले हम इसके ऊपर अनियन की टॉपिंग कर लेंगे, जिसके बाद हम इसके ऊपर टोमेटो की टॉपिंग भी कंप्लीट कर लेंगे। और इसी तरह से मशरूम एंड कैप्सिकम की टॉपिंग कंप्लीट होने के बाद फाइनली हम इसके ऊपर मोजरेला चीज डालेंगे। ये भी आपको किसी भी बेकरी पर मिल जाएगी। अब बारी आती है इसको कुक करने की। तो हम इसको 300 टेम्परेचर पर 5 मिनट के लिए इस ओवन में रख देंगे। एंड 5 मिनट के बाद मैं पिज्जा को ओवन से निकाल लेता हूँ, जिसके बाद मैं इस पिज्जा को कट करता हूँ और इसके ऊपर एगलेस की लेयर्स डालने के बाद फाइनली मैं इसको अपने स्टाफ से टेस्ट कराता हूँ। एंड सही में यार, पिज्जा बहुत ही टेस्टी बना था।